नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। 76 दिन बाद बा महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए। दूर दूर से श्रद्धालु बा महाकाल के दर्शन करने आज उज्जैन पहुंचे। वहीं मंदिर समिति कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करवा पाई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझा। वहीं बीजेपी के नगर मंत्री का प्रवेश को लेकर गार्ड से विवाद हो गया। बाबा महाकाल के आज खोले गए दरबार के पहले दिन श्रद्धालुओं ने बड़ी आसानी से बाबा के दर्शन किए। यहां पर प्रशासन की गाइडलाइन अनुसार श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ उठाया। मंदिर में जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बड़े ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन यहां पर पहले ही दिन कुछ छुटबैये नेताओं का तमाशा, एक ड्रामा देखने को मिला। जी हाँ, भाजपा नेता के कुछ छुटबैया नेता यहाँ पर कर्मचारियों से अभद्रता करते दिखाई दिए और जिला प्रशासन की तय की गई व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद कौन सी व्यवस्था? हमारी पार्टी का नाम खराब कर दिया साले। डेली वाले खड़े, उसकी व्यवस्था करो आप। डेली वाले खड़े तो क्या कर रहे हो? कलेक्टर साहब ने बोला है जैसा, तो वो तो दरवाजे पे आगे हमसे कह रहे हैं लाइन का। मीडिया खड़ी है इसलिए हमको लाइन बता रहे हैं। हम लाइन में आ रहे हैं, है पंजीयन करवा के आ रहे हैं। ये पंजीयन हमारा, आप चाहे तो आप देख लीजिए, ये 5 जनों का पंजीयन है। और उसके बाद पहलवानी कर रहे हैं, काला कपड़े पहन लेगा, सिक्योरिटी गार्ड हमने समझ लेगा 2 रुपए का। आप तो कोई पहलवानी वाली बात नहीं कर रही। आप हाथ जोड़े हमारे सामने, हाथ जोड़ने के भी। अरे तू कहाँ खड़ा है? तू कहाँ खड़ा? तेरी गलती देख, तू कहाँ खड़ा हुआ है? कहाँ खड़ा है तू? हम क्या कर रहे हैं? हम तो बुकिंग करके आए, हम लाइन में खड़े हैं। और आप क्या कर रहे हैं हमको भी बताए। हम लाइन में खड़े हैं, भैया हम लाइन में खड़े हैं। कौन सी है? एक मिनट, बैरिकेड हटा ले, बैरिकेड हटा ले। अरे बैरिकेड हटा ले, बैरिकेड हटा ले। तो बैरिकेड खड़े हैं, बात कर रहे हो साले। बताया जा रहा है कि ये भाजपा नेता अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए थे और शॉर्टकट में दर्शन करना चाहते थे, जिन्हें वहां मौजूद कर्मचारियों ने प्रशासन की गाइडलाइन का जिन्हें वहां मौजूद प्रशासनिक कर्मचारियों ने उन्हें गाइडलाइन के नियमों का पालन करने का हवाला दिया, तो ये छुटबैया नेता अपने पार्टी का नाम का रोब दिखाते नजर आए। इन भाजपा के छुटबैया नेताओं का एक वीडियो भी वायरल हो गया। आइए देखिए इन तस्वीरों में, इस वीडियो में इस छुटपैये नेता की अभद्रता। हुआ था जैसे कि प्रशासन की अभी न्यू गाइडलाइन नहीं आई है। डेली वाले थे वो, जो भी थे लीडर थे उनके, तो प्रशासन की गाइडलाइन आई है कि डेली वाले हो या कोई भी हो, बुकिंग और पॉजिटिव रिपोर्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। उसी के लिए उन्हें टोका। आप लोग भी शायद से वहीं थे, कवरेज हुई थी तो आपने देखा होगा लाइन से विपरीत चल रहे थे वो। जैसे ही मैंने उन्हें रोकने का कोशिश करा तो उनके जो पीछे से आ रहा था एक हाथापाई पाया था। मैंने हाथ जोड़ा, विनम्रता से उनसे बोला कि महोदय आप सहयोग करिए। तो बोल रहे साले तू खड़ा कहाँ पे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, धमकाया भी सही, जाति सूचक शब्द भी बोले श्रीमान जी उन्होंने। अच्छा। है ना साला, मतलब आपने भी सुना होगा अभद्रता जो आई थी, वीडियो आपके पास में होगी तो आप खुद देखोगे। तो माननीय यदि हम नौकरी ही करने आए, यदि नियम का पालन ही नहीं करेंगे तो फिर किस काम की ड्यूटी कर रहे हो? इसकी शिकायत अब आप अधिकारियों से कर रहे हैं? हमारे ऊपर के अधिकारी से बोलेंगे सर हम, नहीं तो ऐसे मान लो दबाव में रह के ड्यूटी कैसे करेंगे श्रीमान जी। क्या आपको वो बोल भी रहे थे कि हम जनप्रतिनिधि हैं सर? हाँ बोला ना सर। पार्टी के नाम, पार्टी का नाम खराब कर रहे हो आप। पार्टी का नाम देख रहे हैं, हमने सीधे सीधे बात बोली उनको कि भैया आप लाइन में चलें, और लाइन में ना चलते हुए हमसे अभद्रता कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, पार्टी के नाम से धमका रहे हैं। क्या बोल रहे थे, कौन सी पार्टी? ये तो बस पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने, सीधी सी बात है, नाम पता पूछ रहे क्या करता है क्या है नहीं। अगर ज्यादा कुछ होता तो वो हाथापाई पे आ जाते हम। हाथापाई पे सर देखा है, वहां से भी आपको हटा दिया? नहीं सर, ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है ना, नाइट शिफ्ट के। यहाँ महाकाल मंदिर में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के प्रवेश नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। मास्क, सामाजिक दूरी व अन्य कोविड गाइडलाइन का करना होगा सख्ती से पालन। कुछ श्रद्धालु वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना भूले। चर्चा के दौरान कहा कि नहीं चल पाया गाइडलाइन का पता। एक तो ये सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए,
अगर वो नहीं है तो 48 आवर्स का आपको चाहिए, आप अंदर बैग थैला वगैरह नहीं लेके जा सकते। क्या लेके आए अभी आप? मैं सिर्फ ये लाई हूँ, और मेरा मोबाइल लाई है। मुझे लगा था 15 तारीख को खुलेगा जी, तो मैं यहाँ पे 9 तारीख को 10 तारीख को आ गई थी। 10 जून से मैं यहाँ पे हूँ। सुबह 3 बजे से। कैसे आपको यहाँ पे, आप कैसे दर्शन कर, ऑनलाइन मिल गए? ऑनलाइन फुल हो चुके थे तो बताया यहाँ पे दिया VIP पास से दर्शन। फिर तो ये सर्टिफिकेट और आधार कार्ड लेके, सर्टिफिकेट है। क्या मंदिर समिति ने क्या बताया, क्या क्या करना है अभी आपको? यहाँ पे मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है, और आपके जो वैक्सीन के टीके लगे हैं उसके प्रमाण पत्र लेने हैं, आधार कार्ड चाहिए। कितना उत्साह था आपको इसको लेकर कि मंदिर शुरू हो रहा है? कब से वेट कर रहे थे? कितना? काफ़ी दिन से वेट। क्या नाम है? अभिषेक साहिब। इधर कुछ ही देर में मंदिर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव व अन्य नेताओं VIPओं के भी आने की संभावना लगातार बनी हुई थी। मोहन क्या कर रहे हैं? बाबा महाकाल के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है। मार्च के महीने के बाद लंबा समय निकल गया, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन नहीं हो, ये बहुत अपने आप में मन में कचोटता भी था और दुख भी देता था। और ये दुख डबल तब हो जाता जब मैं स्वयं यहाँ कोविड का मंत्री होने के नाते से कई सारे दर्शनार्थी, श्रद्धालु, भक्त देश से विदेश से फ़ोन करके कह रहे थे कि हमारे बाबा के दर्शन कब होंगे। मैंने कहा जब बाबा की इच्छा होगी। पिछले समय कोविड की बैठक में निर्णय किया गया था कि आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए जो कोविड के लिए अत्यंत आवश्यक है, खास करके वैक्सीन लगा करके ही हमने जो दर्शन का नियम बनाया है। मैं भी स्वयं परिवार सहित वैक्सीन के टीके के सर्टिफिकेट लेकर के ही यहाँ दर्शन करने आया हूँ। और जो हमने नियत किया है कि हम अभी नंदीग्रह में या अंदर गर्भगृह में न जा करके बाहर से दर्शन करने का क्रम जारी रखें, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा के दर्शन करने के साथ ही हमारे लिए जो वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर पे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व से जो हमने एक बड़ी बाधा पार की, परमात्मा करे अब तीसरी बाधा आए नहीं और बाबा महाकाल सबकी रक्षा करे, यही कामना करते हुए और जितना बन पड़ा जैसी सेवा हमने करने का प्रयास किया है उसमें कोई त्रुटि हुई तो बाबा क्षमा करे, लेकिन जितना जिस प्रकार से हम कर सकते थे वो बेहतर प्रबंधन किया। यही कारण है कि पहले की तुलना में उज्जैन और हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में आया है, ये सदैव बना रहे और सब धीरे धीरे सब सामान्य हो जाए, यही कामना बाबा से करता हूँ। सर आप चूँकि आप कैबिनेट की बैठक है, जाना भी आपको, लेकिन अभी अगर यहाँ भी देखा जाए तो कुछ गाइडलाइंस का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, कितना जरूरी समझ रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए? देखिए मैंने प्रशासन से बात भी की है, मैंने स्वयं ने इसका पालन किया है और जो नियत किया गया है कि एक तो वैक्सीन लगाना मस्ट है, मास्क लगाना है, मास्क के साथ दूरी के साथ दर्शन करना है। ये बात सही है कि हमको जब तक हम ये सावधानी नहीं रखेंगे तब तक हमारा जो मूल बचाव है वो बचेगा नहीं, लेकिन ये बात सही भी है कि वैक्सीनेशन के बाद हमारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी सावधानी पूरी रखना है। मैं प्रशासन से बात भी करूँगा, मैं देख भी रहा हूँ और मैं बात करके दूसरे सब से अभी भी मान नहीं रहे, दूर रहना है सेल्फी से, और वैसे दूरी तो बहुत जरूरी है। महाकाल मंदिर क्षेत्र विस्तारीकरण को लेकर रहवासियों ने महाकाल थाना क्षेत्र के पास बैनर और तख्तियां लेकर पैदल मार्च निकाला। उज्जैन में जहां एक ओर महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण कार्य तेजी से चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर विरोध भी बढ़ गया है। प्रोजेक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, इसके नाम पे विध्वंस बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वापस लो, वापस लो। दरअसल महाकाल मंदिर के सामने 70 मीटर तक का क्षेत्र तोड़ा जाना है, यहाँ कई मकान और दुकान इस क्षेत्र में आ रहे हैं। क्षेत्रवासी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कोरोना की मार से आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है और ऐसे में आशियाने उचारना बिल्कुल गलत है। हम कुछ लोग दुकानों से घरों से बाहर घूम रहे थे, सभी रहवासी घर की महिलाएं, कुछ बड़े बुजुर्गों का कहना था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो हमने उनको बताया कि कुछ 4-5 दिन से यहाँ पे डेली सुबह शाम नपती हो रही है, घर के बाहर घर के अंदर घुस घुस के नपती कर रहे हैं। हमने सबको स्पष्ट करा कि ये 70 मीटर, 100 मीटर, कभी 200 मीटर ऐसा बताया जाता है, पर कुछ क्लियर नहीं कहा जा रहा है कि क्या हो रहा है। अभी यहाँ के 11 मकानों को हटाने की योजना चल रही है, अब उस 11 मकान के अंदर
कुल 29 दुकानदार हैं जो पिछले 100 से 50 वर्षों से अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो किसी का साथ भी नहीं और किसी का विकास भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों बोलते हैं कि हम लोगों को बसाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। महाकाल मंदिर के क्षेत्र में जो 70 मीटर के दायरे में 5000 कर्मचारी और 2000 रहवासी जो इस दायरे में आ रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। कोरोना काल से लोग उभरे ही नहीं हैं, उसके पहले उनका आशा ने छीने जा रहे हैं। ये समझ में आता है एक प्रशासन की नीति। यहाँ के स्थानीय लोगों को बिना ट्रस्ट में लिए, बिना बात करे उनको उजाड़ने का एक घिनौना काम करी सरकार, उसका विरोध यहाँ का रहवासी और व्यापारी संगठन करता है। इंदौर के व्यापारी ने रामघाट पर शराब पी कर सुसाइड करने का प्रयास किया। उज्जैन के रामघाट के पास सिद्धार्थ श्याम घाट पर एक इंदौर के व्यक्ति ने दारू पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करी। माशिप्रा तैराक दल के सदस्य हुकुम ठाकुर, मनोज कहार, किशोर कहार ने डूबते हुए इंदौरी को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने दारू की बोतल जब्त कर समझाइश दी है। पिछले एक साल से लॉकडाउन में व्यापार ठप होने की वजह से कई लोग नदी में कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं। इंदौर में नदी नहीं होने की वजह से पूर्व में भी कई इंदौरी उज्जैन शिप्रा में समाधि ले चुके हैं। चोरों ने गणेश टेकरी पटेल नगर के सुने मकान के ताले तोड़कर 90,000 रुपए नगद व सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। उज्जैन की गणेश टेकरी पटेल नगर स्थित सुने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखे 90,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। सूचना मिलने पर चिमनगंज थाना प्रभारी अजीत तिवारी अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे और जांच शुरू की। पवन मारू पिता भेरूलाल निवासी गणेश टेकरी पटेल नगर ने बताया कि वह शनिवार रात माँ और पत्नी के साथ महूखेड़ी महितपुर में रहने वाले रिश्तेदार से मिलने गए थे। सुबह 8:30 बजे वहां से घर लौटे तो देखा मैंने गेट का ताला टूटा था। घर में जाकर देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी और घर का सामान भी बिखरा था। इसकी सूचना चिमनगंज पुलिस को दी गई। पवन मारू ने बताया कि चोर अलमारी में रखे 90,000 रुपए नगद के अलावा सोने की 4 चूड़ियां, 2 अंगूठी, 1 चेन, कान के टॉप्स, 2 मंगलसूत्र सहित चांदी की पायजब आदि चुरा कर ले गए। चिमनगंज थाना प्रभारी तिवारी ने बताया कि घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करा रहे हैं। पवन मारू की किराने की दुकान भी है जिसमें ताला लगा है। चोरों ने वहां से कोई सामान नहीं चुराया। मानसून की बेरुखी को देखते हुए किसान फसल बुआई में जल्दबाजी ना करें। फसल बुआई के लिए 4 इंच बारिश का होना बहुत जरूरी है। खरीफ फसल की बुआई का समय अब नजदीक है। जिले में खरीफ मौसम में सोयाबीन फसल ही मुख्य रूप से बोई जाती है। जिले के किसान भाइयों के द्वारा खाद बीज की व्यवस्था कर बुआई की तैयारी भी कर ली गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के उपसंचालक ने किसानों को सलाह दी है कि नियमित मानसून आने एवं कम से कम 3 से 4 इंच वर्षा होने के पश्चात ही फसल की बुआई करें। 3 इंच से कम वर्षा होने पर यदि फसल बुआई कर दी गई और वर्षा का अंतराल लंबा हो गया तो नुकसान होना संभव है। अतः कृषि विभाग की ओर से जिले के किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि कम से कम 3 से 4 इंच वर्षा होने के पश्चात ही फसलों की बुआई करें। कृषि विभाग के उपसंचालक ने जिले के किसानों को उक्त सलाह के अलावा उन्हें यह भी सलाह दी है कि कम से कम 70% अंकुरण क्षमता वाला बीज की बुआई करें। कम से कम 2 से 3 सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों की बुआई करें। बीजों उपचार करके ही फसलों की बुआई करें। संतुलित खाद उर्वरक का उपयोग करें। सोयाबीन की फसल के अलावा कम से कम 20 से 30% रकबे में उड़द, मूंग, अरहर, धान फसल जरूर लगावें। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय या क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें। अभी वर्तमान में जिले में लगभग 116 mm बारिश हुई है जो कि लगभग 4 इंची के ऊपर है। लेकिन चूंकि इस बार मानसून की बारिश नहीं कहते हुए ये एक चक्रवाती वर्षा हो रही है जो कि स्केटर्ड हो रही है, कहीं पे हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, एरिया या क्षेत्र छोड़ छोड़ के हो रही है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में अपने यहाँ पे लगभग 25% क्षेत्र में बोनी हुई है। और अभी सभी किसान भाइयों से मेरा एक ही अनुरोध है कि जब तक खेत में पर्याप्त नमी न हो तब तक बोनी न करें, बीज को उपचारित करके बोए। संत सदगुरु बाबा उमाकांत महाराज ने भक्तों को संदेश देते हुए कहा कि गुरु ही परमात्मा का बोध कराते हैं।
जीते जी इसी मनुष्य मंदिर से देवी देवता और परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले वर्तमान के पूरे संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने भक्तों को संदेश दिया कि गुरु ही परमात्मा का बोध कराते हैं। आप जिन मूर्तियों को मानते हो, अगर असली देवी देवता आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब गुरु बता देते हैं कि इस तरह का उनका रूप और आवाज़ है, इस तरह से उनके रोम रोम में प्रकाश है, अगर वैसा आपको दिखाई पड़ जाएगा तो आप विश्वास कर लोगे। आप समझो प्रेमियों काल का यह देश है, जीवों की नाटकशाला है। यहाँ नाटक कराने के लिए, नाटक दिखाने के लिए उन्होंने ये सब बना रखा है। असली विष्णु भगवान अगर आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, असली देवी देवता आपके सामने खड़े हो जाएं, तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन जब गुरु बता देते हैं कि इस तरह का उनका रूप है, इस तरह का उनकी आवाज़ है, इस तरह का आँख कान है, इस तरह के उनके चेहरे से तेज निकलती है, रोम रोम में प्रकाश होता है, और वैसा आपको दिखाई पड़ जाएगा, तब आप विश्वास कर लोगे। आपको पिछले सत्संगों में जो पुराने लोग हो सुनाया गया कि 17 तत्वों के लिंग शरीर में देवता भी रहते हैं और 17 तत्वों के लिंग शरीर में प्रेत भी रहते हैं, तो देवता भी ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं और प्रेत भी दिखाई पड़ जाते हैं, ऐसे प्रेत भी दिखाई पड़ जाते हैं, कभी देवता का रूप बना लेते हैं, कभी दैत्य का रूप बना लेते हैं, तो कभी जानवरों का रूप बना लेते हैं, तो कभी शेर का रूप बना लेते हैं, और कभी घोड़ा हाथी का रूप बना लेते हैं। उनको बनाने में, अपना रंग बदलने में, रूप बदलने में अन्य देर नहीं लगती है। जैसे कहीं नाटक हो रहा हो तो नाटक का कलाकार क्या होता है, कभी राम बन जाता है, कभी लक्ष्मण बन जाता है, तो कभी मेघनाथ बन जाता है, तो कभी रावण बन जाता है, तो ऐसे ही आदमी तो वही है लेकिन रूप बदल जाता है, उसका स्थान बदल जाता है। ऐसे ये प्रेत आत्माएं होती हैं, लेकिन उनकी पहचान होती है देवता की जैसे पहचान होती है, कि देवता अगर मनुष्य शरीर में दिखाई भी पड़ जाएंगे तो उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा। पैरों की जो एड़ी होती है आगे होती है और पंजा पीछे होता है, तो ये सब पहचान है। तो अगर पहचान पाओगे तब तो आप ये समझो कि उनको समझ पाओगे, नहीं पहचान पाओगे तो काल का ये देश है, ये उनकी नाटकशाला है, यहाँ पर नाटक करने के लिए, नाटक दिखाने के लिए उन्होंने ये सब बना रखा है। ब्राह्मण समाज द्वारा पुरुषोत्तम सागर इंदिरानगर पर वृक्षारोपण किया गया। इंदिरानगर ईदगाह रोड स्थित पुरुषोत्तम सागर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा संध्या आरती भक्त मंडल पुरुषोत्तम सागर के संयोग से अखिल भारतीय संत समिति उज्जैन के जिलाध्यक्ष संत विशाल दास महाराज की पावन उपस्थिति में तथा वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति के संस्थापक संयोजक मोहन मारू, खाद्य नियंत्रक उज्जैन के मुख्य आतिथ्य एवं वन निगम के पंवार, भारत स्काउट गाइड के अनोखी लाल शर्मा, संध्या आरती मंडल पुरुषोत्तम सागर के संयोजक विवेक उदगीर, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री तरुण उपाध्याय के विशेष उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस सनातन संस्कृति और प्रकृति के सानिध्य में और उसी में हमें जाना पड़ेगा और उसी में वैश्विक महामारियों और सारे डिप्रेशन के समाधान हमें खोजने पड़ेंगे। हम अखिल वसुंधरा हरियाली महोत्सव के हमारे देश के 12 राज्यों के और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लाखों वृक्ष मित्रों की ओर से ब्राह्मण समाज के सभी समाज जनों का, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का आभार और अभिनंदन करते हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के पूर्व सप्त सागरों में प्रमुख पुरुषोत्तम सागर का विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजन आरती पंडित हेमंत शास्त्री एवं पंडित शैलेंद्र द्विवेदी ने संपन्न कराया। इसके पश्चात प्रकृति के रूप में वृक्षों का पूजन भी आगंतुक अतिथियों के द्वारा किया गया। उसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के संभागीय अध्यक्ष जेपी हरदेनिया, नगर अध्यक्ष विनय ओझा, महामंत्री वीरेंद्र त्रिवेदी, सचिव पंडित शैलेंद्र द्विवेदी, पंडित गौरव उपाध्याय, धर्माधिकारी आदि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज एवं पदाधिकारियों तथा पुरुषोत्तम सागर आरती भक्त मंडल के सदस्यों ने उपस्थित होकर वृक्षारोपण किया। हमारी ही गलतियों के कारण, हमारी ही किसी
गलतियों के कारण आज ये महाकाल वन बिल्डिंगों का जंगल वन हो चुका है। इसलिए उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, महाकाल वन को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोग ब्राह्मण समाज के साथ साथ हमारे वन विभाग के सभी समस्त अधिकारी पदाधिकारी गण, बड़े ही सहृदय से धन्यवाद देता हूँ मैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से वसुंधरा हरियाली जो हमारी समिति और हमारे खाद्य नियंत्रक साहब मारू साहब, हमारे वन विभाग के अधिकारी आदरणीय हमारे पवार साहब और आप सबके सहयोग से हम सब ने यह संकल्प लिया कि उज्जैन में 18,000 ब्राह्मण परिवार निवास करते हैं। तो परशुराम जयंती पर हमने संकल्प प्रारंभ किया था, उसी दिन से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।